प्रेरणा कथा। बूढ़े का पौधा। एक युवक और एक अवकाश प्राप्त वृद्ध व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए घरों में रहते थे। दोनों के घरों के आगे और पीछे छोटे छोटे बगीचे थे। दोनों को बागवानी का बहुत शौक था। युवक प्रयास करता रहता था कि उसका बगीचा उन वृद्ध के बगीचे से ज्यादा सुंदर कैसे दिखे। एक बार दोनों ने अपने अपने बगीचे में एक जैसे ही पौधे लगाए। युवक अपने पौधे को खूब पानी और खाद देने लगा, जबकि वृद्ध अपने पौधे को थोड़ा पानी और थोड़ी सी ही खाद देते थे। कुछ ही दिनों में युवक का पौधा बहुत ही हरा भरा और बड़ा हो गया। उसका पौधा हरी भरी पत्तियों से भर गया, जबकि वृद्ध का पौधा किसी भी सामान्य पौधे की तरह विकास कर रहा था। एक रात बहुत तेज तूफान आया और भयंकर वर्षा हुई। अगली सुबह जब युवक ने अपने बगीचे में गया, उसने देखा कि उसका पौधा जड़ से उखड़ गया था और जमीन पर पड़ा था, जबकि वृद्ध का पौधा बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। युवक ने जब वृद्ध को उसके बगीचे में देखा, उसने कहा, मेरा पौधा आपके पौधे से बड़ा भी था और मेरे पौधे में बहुत अधिक पत्तियां भी थी, परंतु मेरा पौधा कल रात के तूफान में उखड़ गया, जबकि आपका साधारण सा दिखने वाला पौधा बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वृद्ध ने मुस्कुराकर युवक के चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुमने पौधे को आवश्यक हर चीज बहुत अधिक मात्रा में दी, इसलिए तुम्हारे पौधे को और उस पौधे की जड़ों को पानी या अन्य पोषक पदार्थों को खोजने के लिए जमीन के अंदर नहीं जाना पड़ा, इसलिए तुम्हारे पौधे की जड़ें कमजोर रही। मैंने अपने पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ी खाद दी, जिससे मेरा पौधा जीवित रह सके। बाकी का काम मेरे पौधे की जड़ों ने किया। मेरे पौधे की जड़ें जमीन में नीचे तक फैल गई ताकि और पानी और पौष्टिक पदार्थ खोज सकें। इस तरह मेरे पौधे की जड़ें मजबूत हो गई। मेरे पौधे ने तूफान और पानी को झेल लिया, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में काफी नीचे तक गई हुई थी। परंतु तुम्हारा पौधा दिखता तो हरा भरा था, परंतु उसके जड़ें नीचे नहीं गए, क्योंकि तुम उसको खूब पानी और खूब खाद देते थे। मित्रों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। खा पीकर कुछ ना करने से शरीर कमजोर होता है, भले ही वो बाहर से तंदुरुस्त दिखे। जो व्यक्ति संतुलित खाना खाता है और खूब परिश्रम करता है, वो अंदर से भी तंदुरुस्त होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।